नोकिया जो फोन है 8.3 अभी न्यूज आ रही है कि वो भारत में लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी। वो 5G डिवाइस है, तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा मैं डिटेल दूँ क्या क्या प्राइस है, कब मतलब लॉन्च होने की संभावना है, सारा कुछ बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले ही मतलब हेडिंग पे लिखा है नोकिया 8.3 5G जल्द आएगा बाजारों में, जाने फोन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो आप देख सकते हो HDMD ग्लोबल का नोकिया 8.3 बाजार में आने इसके लिए तैयार है। प्रीमियम स्मार्टफोन को इस साल मार्च में नोकिया 5.3, नोकिया 1.3 और नोकिया 5310 फोन के साथ लॉन्च किया था। 5G होने के कारण स्मार्टफोन में बिक्री देरी हुई है। अब मैं आपको इसकी मतलब कैमरा बता देता हूँ। कैमरा फ़ोन की सबसे अच्छी खूबी इसका कैमरा है। इसमें फ़ोन चार रियर कैमरे हैं, मतलब चार कैमरे हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का जो है वो प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ आता है। अब इसका वो बताऊँ परफॉर्मेंस, जैसा कि पहले बताया गया था नोकिया 8.3 5G इस पर सपोर्ट में के साथ आता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 6 GB और 8 GB दो ऑप्शन में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 GB या फिर 8 GB दो ऑप्शन में आता है। 128 GB तक इसकी इंटरनल स्टोरेज है। इसकी आप बैटरी भी देख सकते हो, 45 mAh की बैटरी है, और आप देख सकते हो कि इसमें अदर भी फीचर मतलब कि इसमें दिए गए हैं। अगर आप ज़्यादा इसकी मतलब डिटेल लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर livehindustan.com पर जाइए और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर निकाल लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो प्राइस है करीब मतलब कि 48,000 मतलब 48,000 है। आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो भी देख सकते हो, कुछ ऐसा ये स्मार्टफोन आएगा। और तो इसकी कीमत करीब 48,000 है इंडिया में, और 48,000 रखी गई है शायद, मतलब सोच विचार कर रहे हैं 48,000 का। तो ये कुछ आज की वीडियो में इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।